इस वीडियो में हम एनाफेज के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने मेटाफेज के बारे में पढ़ लिया था। तो मेटाफेज में हमने देखा था जो भी हमारे क्रोमोसोम्स थे वो इक्वेटर पे आके लाइन हो गए थे, और एक क्रोमैटिड का जो काइनेटोकोर था वो एक पोल के स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ था, और जो दूसरा क्रोमैटिड था उसका काइनेटोकोर दूसरे पोल के स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ था। अब एनाफेस में होगा क्या? एनाफेस में जो भी क्रोमोसोम मेटाफेसिक प्लेट पे होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे। मतलब कि अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि क्रोमोसोम ऐसे पड़े हैं, लेकिन एनाफेस में ये क्रोमोसोम स्प्लिट होके ऑपोजिट पोल्स की तरफ ऐसे जाना शुरू कर देंगे। एक क्रोमोसोम इस पोल की तरफ जाएगा और दूसरा इस पोल की तरफ। तो यही एनाफेस का बेसिक फीचर हमें ऐसा ही दिखेगा। तो हम पढ़ते हैं एक बार। ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेसिक प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमैटिड्स नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगिन देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स टू ऑपोजिट पोल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो हमारा एक सेल है, इस मेटाफेस में सेंटर पे आपको क्रोमोसोम्स दिख रहे होंगे, तो इसमें क्या होगा कि एक क्रोमोसोम इस तरफ को जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ को जाएगा, और इन दोनों को हम डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो यही हमें इधर लिखा हुआ है कि दीज आर रेफर टू एज द डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, क्योंकि आगे वाले टाइम में ये दोनों अलग अलग सेल्स हो जाएंगे। एज ईच क्रोमोसोम्स मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। अब इसमें वो कहना चाह रहा है कि हम इस डायग्राम में अगर आप देखो तो इसमें जो सेंट्रोमियर है, ये वाली चीज सेंट्रोमियर है, ये पोल्स की तरफ डायरेक्टेड है, और इसकी जो आर्म्स हैं वो पीछे की तरफ मतलब पोल से दूर वाली साइड डायरेक्टेड है। इसमें वो यही बता रहा है कि जब क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो उनका जो सेंट्रोमियर है वो पोल्स की तरफ डायरेक्शन उसकी पोल्स की तरफ होगी, और उसे हिंस इट इज़ एट द लीडिंग एज मतलब कि वो आगे है आर्म से, और जो आर्म्स होंगी वो क्रोमोसोम की वो पीछे को लैग करेंगी, मतलब द क्रोमोसोम्स आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स विल बी ट्रेलिंग बिहाइंड इट। तो इससे हमें वो यही बता रहा है। इसके बाद एनाफेज के आगे वाले पेज पे हमें कुछ फीचर्स दिए होंगे, जैसे कि उन एनाफेज के की फीचर्स क्या थे। जैसे हमने पढ़ा सेंट्रोमियर स्प्लिट, तो एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा एंड क्रोमैटिड्स थे वो हमारे सेपरेट हो जाएंगे, जैसे एक क्रोमैटिड ऐसा हो जाएगा और दूसरा इधर, और वो दोनों ऐसे कुछ होंगे, और ये स्प्लिट हम देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर भी स्प्लिट हो जाएगा। क्रोमैटिड्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, और ऑपोजिट पोल्स की तरफ वो मूव करेंगे। अब हमें एनाफेज की डायग्राम भी दी हुई है, जैसे आप देख सकते हो ये रहा हमारा एक क्रोमैटिड और ये रहा इसका दूसरा क्रोमैटिड। इसमें आप देखोगे कि जो सेंट्रोमियर है वो पोल्स की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, और जो इसकी आर्म्स थी वो पीछे की तरफ है, ट्रेलिंग बिहाइंड है। तो सेंट्रोमियर भी हमें दिख रहा है कि स्प्लिट हो गया, और क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ये भी हमें दिख रहा है। तो ये था बेसिक अबाउट एनाफेस। तो इसमें बेसिक चीज़ों में याद करनी है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं, और सेंट्रोमियर लीडिंग एज पे होगा मतलब डायरेक्शन उसकी पोल्स की तरफ होगी और उसकी आर्म्स पीछे की तरफ रहेंगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एनाफेस। अगली वीडियो में हम टीलोफेज के बारे में पढ़ेंगे। Thank you.